देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी एट 20 के तहत जोधपुर के एम्स सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का किया गया आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे शामिल। सीकर के कोलीडा खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ शुभारंभ। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने प्रतियोगिता का किया विधिवत उद्घाटन। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद मीणा ने आज भरतपुर के चिकसाना गांव में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का किया उद्घाटन। झंडा रोहण कर मार्च पास्ट की दी सलाम। जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में अवैध विज्ञापन सामग्री हटाने के लिए सभी जोन्स में चलाया गया विशेष अभियान। 1600 से अधिक अवैध विज्ञापन सामग्री को हटाया गया। आगे भी इसी तरह नियमित चलता रहेगा यह अभियान। उदयपुर जिले की 652 ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का एक साथ हुआ आगाज। प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने किया शुभारंभ। गांव गांव खेलेगा राजस्थान जीतेगा के सुनाई दिए नारे। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड की नारायणी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया गया जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कार्यक्रम। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किया शुभारंभ। सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। दौसा में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का भांडा रेस से हुआ आगाज। जिला प्रमुख हीरालाल सैनी और कलेक्टर कमर चौधरी ने औपचारिक रूप से किया उद्घाटन। जिले भर में 6 खेलों की प्रतियोगिताएं हुई शुरू। प्रतापगढ़ के नागदेड़ा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्कूल अरनोद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा प्रायोजित रूरल आईटी परीक्षा का किया आयोजन। कक्षा 8 से 12 तक के 330 छात्र छात्राओं ने लिया भाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव ने सवाईमाधोपुर जिले की पंचायत समिति गंगापुर सिटी के ग्राम पंचायत रायपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का किया शुभारंभ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती एवं कनिष्ठ निदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा का 10 सितंबर को किया जाएगा आयोजन। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित किया गया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने पुरानी कच्ची बस्ती चौगान स्टेडियम से भगवान श्री देवनारायण की लक्की पदयात्रा को केसरिया ध्वज की पूजा अर्चना कर जोधपुरिया धाम के लिए किया रवाना। पदयात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने लिया भाग। पाली में जिला स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का चंदावल में हुआ आयोजन। प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने किया खेलों का शुभारंभ। खिलाड़ियों को दिलाई गई शपथ। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल के निर्देश पर जिला गौपालन समिति की बैठक हुई आयोजित। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को लंपी रोग के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चित्तौड़गढ़ जिला रोजगार कार्यालय की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में रोजगार शिविर का किया गया आयोजन। 80 आशार्थियों ने फील्ड ऑफिसर पद के लिए लिया हिस्सा। 16 आशार्थियों को रोजगार का प्रारंभिक अवसर किया गया प्रदान। और सीकर के गोकुलपुरा तिराहे के पास हुआ भीषण हादसा। हादसे में रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 2 युवकों की मौत। 12 से ज्यादा सवारियां हुई घायल।